जैसे भगवान श्री कृष्ण संतों की सेवा करके अपने को धनभागी मानते हैं, वैसे ही सद्गुरु के प्यारे बापू के प्यारे श्री कृष्ण जी की प्रेरणा को अपनाते हुए इस बार पावन मकर संक्रांति 14 जनवरी 2022 के पर्व पर भागवत की उद्गम स्थान शुक्रताल की पावन भूमि पर संत श्री आशाराम जी आश्रम में दिल्ली करोलबाग आश्रम द्वारा साधु संतों में कंबल, टोपी, जुराब, खजूर, कैलेंडर, ऋषि प्रसाद ग्रंथ, नहाने धोने का साबुन, दक्षिणा, सत्साहित्य, आंवले का मुरब्बा, भोजन आदि उन्हें भंडारे में दिया गया, जिसमें स्थानीय गुरुकुल के आए विद्यार्थियों ने वैदिक मंत्र उच्चारण कर वैदिक धर्म की गरिमा बढ़ाई। संत के सानिध्य में रहे तो भाई उनका कल्याण तो निश्चित होता है, क्योंकि बाबू जय संत जो है ना, हमें जो है ना आज तक कभी ऐसे कोई संत नहीं पूजी अंदर, लेकिन उनके साथ फिर भी उनकी कृपा से बाहर ये एक अच्छा कार्य बापू जियों के सानिध्य से कर रहे हैं। और सभी साधकों की एक ही इच्छा है कि बापू जी जल्दी से जल्दी बाहर आए और बहुत स्वस्थ रहे। तुम्हारे सिवा अब नजर कुछ न आए, बापू जी की कृपा से पूरे देश में कहीं कहीं भंडारे चलते रहते हैं और आज हम शुक्रताल में आए हैं दिल्ली से। भारत की संस्कृति जो लोग आगे बढ़ा सकते हैं, जो संतों के रूप में हमारे पास आज धरोहर है, उसको संभाले सरकार, ये मेरा सरकार से अनुरोध है। आज हम लोग अभी शुक्रताल में हैं और दिल्ली से हम लोग 4-5 गाड़ी से लोग आए यहाँ, और शुक्रताल के भी लोकल लोग के हेल्प से, बापूजी की कृपा से, बापूजी की प्रेरणा से आज मकर संक्रांति के उपलक्ष में हम लोग साधु संतों के बीच में हम लोगों ने भंडारा किया। ओ, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है, दीवानों का मेला है सत्संग मेला, दीवानों का मेला। जय हो आसाराम बापू की, जय हो, जय हो, जल्दी आ जाना बापू।